नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यन सिंघानिया। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से है, जहां मंदसौर शासन द्वारा चलाए गए सिवना शुद्धिकरण अभियान के अंतर्गत मंदसौर जिले की आदर्श शिक्षिका एवं समाजसेवी तथा गरनाई शासकीय माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती ललिता सिसोदिया ने सिवना शुद्धिकरण में अपना श्रम योगदान देकर माँ सिवना को पर्यावरण मुक्त बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। इस प्रकार से किसी भी सामाजिक एवं पर्यावरण शिक्षा व जीवों के लिए श्रीमती सिसोदिया हमेशा तत्पर रहती हैं। उन्होंने अभी वर्तमान में पंछी बचाओ अभियान के अंतर्गत पंछियों के लिए कई जगह पर सकोरे लगवाए तथा उनके अंदर पक्षियों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था की। साथ ही उन्होंने गौशाला के लिए भी गायों के खाने की व्यवस्था की एवं 5 जून पर्यावरण दिवस पर भी उन्होंने जगह जगह पौधे लगाकर लोगों को प्रकृति वातावरण को पर्यावरण से मुक्त रखने का संदेश दिया। साथ ही सामाजिक क्षेत्र में गरीबों के लिए भी कुछ न कुछ सहायता श्रीमती सिसोदिया करती रहती हैं। इसी प्रकार सिवना को पर्यावरण मुक्त बनाने के लिए मंदसौर शासन द्वारा उठाए गए कदम में भी उन्होंने अपना श्रम दान देकर बनाने का संकल्प लिया एवं सभी से आग्रह किया कि अपना योगदान दें। मंदसौर नगर से होकर गुजरने वाली माता सिवना तक शुद्ध एवं सुंदर पर्यावरण मुक्त लगे, ताकि भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन पर आने वाले श्रद्धालुओं को माता की सौंदर्यीकरण का लाभ मिल सके एवं अपने जीवन को कृतार्थ कर सकें। आइए आपको कुछ तस्वीरों के साथ छोड़ते चलते हैं। मध्य प्रदेश मंदसौर जिले से द क्राइम एक्सप्रेस के लिए मंगलदेव राठौर की रिपोर्ट। तो जरूर देख रहे हैं कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। ये कोई किसी से कहता नहीं कि तुम यहाँ के सीवना पेशाब करो कि किसी पंछियों के सकोरे लगाओ। ये सब अपनी आत्मा गवाह करती है और हमें ये अच्छा काम करना चाहिए, ताकि हम सब अपने लिए तो जीते हैं लेकिन औरों के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, जो कुछ कर नहीं पाते, गरीबों के लिए, उनके लिए करके तो देखो। इसका ये नहीं होता कि हमें क्या मिल रहा, लेकिन ये जरूर होता है कि परमात्मा के खाते में जरूर लिखा रहा कि हमारे कर्म कैसे हैं। हमें अपने कर्म अच्छे रखना चाहिए और हमें सभी की जो हमें सामने नजर आता है उसकी मदद हमें जरूर करना चाहिए। जैसे आज हम सभी मिलकर टीम के साथ हम यहाँ पे सिवना नदी पर ये करने आए, ये कोई दिखावा नहीं। हमें थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए, जॉब वाले हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे कोई भी हो, जो किसी भी फंड से जुड़े, किसी भी कार्य से जुड़े, उसे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए, औरों के लिए, तो अपना जीवन इसी में सफल है। ये नहीं, पैसा तो हम बहुत कमाते हैं, कमाते हैं, लेकिन वो मायने नहीं। थोड़ा सा धर्म पूर्ण दान कर लिया जाए, थोड़ा सा श्रम दान कर लिया जाए, इसमें कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं लगता। ये नहीं लगता कि हमें क्या मिल रहा है, ये जरूर है कि ऊपर वाला हमें जरूर देख रहा है और ये ऊपर वाला ही करवाता है, इसलिए हमें करना चाहिए। जैसा सिवना की सफाई हो रही, सारी टीम हमारे साथ है, हम टीम के साथ काम कर रहे हैं और यहाँ सफाई करने आए, जैसे था सभी को करना चाहिए। मैं तक सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बहनों, जो भी, शर्म किसी बात की नहीं करनी। तगारी सिर्फ उठा लो तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा कि हम नौकरी करें, हमने तगारी क्यों उठाई, हमने मिट्टी क्यों लगी, हमने सकोरे क्यों लगे, नहीं, ये हमारा फर्ज बनता है। और जिला प्रशासन द्वारा जो सिवना शुद्धिकरण के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी के तहत आज हमारे द्वारा 1 घंटे का यहाँ श्रमदान किया गया है। आप सभी से भी अपील है कि आप भी अधिक से अधिक आकर यहाँ श्रमदान करें, और श्रमदान के साथ ही मेरे द्वारा पंछियों के लिए सकोरे भी लगाए गए और यहीं पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी पौधे भी लगाए गए। तो आप सभी से भी मैं अपील है कि आप भी अधिक से अधिक पौधे लगाएं और यहाँ आके श्रमदान भी करें। हम सभी को अच्छे अच्छे काम करने के लिए आगे आना चाहिए। जो भी गंदा करने का प्रयास करते हैं, उनको रोकूंगा, स्वयं भी गंदा नहीं करूंगा, हम दूसरों को नहीं करने दूंगा। जब भी सिवना मैया में सफाई या शुद्धिकरण अभियान चले तो मैं सौ परिवार, सौ मित्रों के साथ इसमें अपना पूरा योगदान दूंगा। जय शिवनाथ।